नमस्कार दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए हम नई वीडियो लेके आए थे। देखिए वेट ऑन जाए के बाद हमने अभी नई वीडियो स्टार्ट किया। आज हम रूम के अंदर हम लोग मतलब पुलाव भात बनाने वाले हैं, और कैसे बनाते हैं, हमारी रेसिपी कैसी है, तो आपको अच्छी लगे तो आप जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, मजाक मत उड़ाना हमारा, क्योंकि बैचलर के अंदर ऐसा चीजें होना चाहिए। बहुत मजा भी करते हैं और स्टार्ट करते हैं। आर यू रेडी गाइज? Yes. तो हम अभी रेडी करते, दिखाते हम कैसे बनाते हैं और चले आगे। पड़ जाता है इतना कुछ नहीं। देखिए हम यहाँ में अभी वेज बिरयानी बनाने के लिए मतलब वेज पुलाव बनाने के लिए सारी चीजें लिए। देखिए सब्जी है सारे प्रकार की, मतलब गाजर रहेगा, मटके रहेगा, और मतलब ये मटर वगैरह सारी चीजें रहती है, इसके अंदर फ्लावर गाजर वगैरह। और यहाँ हमने फ्राई करके बटाटे लिए, उसके बाद फ्राई करके पनीर भी लिया है, एक कोथिंबीर है और एक पुदीना है। उसके बाद हम बिरयानी के अंदर डालने के लिए एक मसाला लिया है, उसके बाद फ्राइड राइस मसाला लिया है। आप मतलब कोई भी चीज रहो, कौन सा भी मसाला हो आप यूज कर सकते हो। उसके बाद हम 10 रुपए का ये सिंगदाना आप यूज करना है तो आप यूज कर सकते हो। उसके बाद तेल अभी हम इतना बड़ा टोक लिया है गर्म करने के लिए, और इसके अंदर हम अभी बनाने वाले हैं। देखते देखिए मैंने अभी जीरा और थोड़ी मोहरी यूज करता हूँ उसके अंदर, मतलब उससे टेस्ट आ जाइए। और उसके अंदर मैं ये सारा चीज डाले, और उसके बाद में ये जो कांदे की पात है वो उसके अंदर डालूंगा। देख सकते हैं, आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप कांदा कट करके डाल सकते हैं। ये कांदे की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। देखिए हम अभी सब्जी डालने वाले हैं इसके अंदर, और सब्जी अच्छे से पकाने हैं आपको। देखिए आपको जितने यूज करने हैं उतने आप यूज कर सकते हैं। आपको सब्जी डालने के बाद आपको अच्छे से इसको हिला के लेना। हिला के लेने के बाद उसके अंदर आपने फ्राई की हुई बटाटे वो भी डाल सकते हैं। और उसके अंदर अभी ये पानी डाल देंगे। अभी आपको ग्रेवी बनानी पड़ेगी, उसके बाद अंदर आपको राइस यूज करना है, और ये सब्जी अच्छे से आपको पूरा पका के लेना है। अभी हम मसाला यूज कर लेंगे। दो हमने पुलाव मसाले डाले हैं, तो उसको डाल करेंगे। और उसके अंदर आपको थोड़ा सा नमक यूज करना है, ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि मसाले के अंदर थोड़ा सा नमक रहता है ऑलरेडी। देखिए और अभी हम 5 मिनट के लिए ढक्कन रखते हैं, क्योंकि अच्छे से सब्जी पक जाएगी, तो हम थोड़ा वेट करते हैं इसके लिए। हमें अभी अच्छे से राइस पका के लिया है, देख सके, और ये राइस हमारा घर का ही है, जो हम घर पे बनाते हैं वही राइस है। आपको बाहर से चाहिए तो बाहर से आप खरीद सकते हैं। तो बहुत हमने मस्ती भी की थी अगले वीडियो के अंदर, और बहुत सारा मुझे व्यूअर्स भी मिला, तो आपके प्यार से हम खुश है। अभी हम रूम के अंदर बहुत सारे वीडियो बनाएंगे, जितने भी क्या रेसिपी हो जाएगी उसके अंदर। देखिए बैचलर के अंदर रहना बहुत मजा आता है, बराबर ना भाई? Yes. तो ये सुशांत जी है, और इसके आपको पहचानते हैं इरशाद जी है, और हमारे सारे दोस्त ऊपर गए, मतलब टेरेस के ऊपर है। अभी थोड़ी सब्जी मतलब पकाने के बाद हम उसके अंदर पनीर डालेंगे, क्योंकि पनीर पका हुआ है, और अच्छी फिर से हम हिलाएंगे। और ये होने के बाद अभी आपको
कंपलसरी 15 मिनट रखना ही है पूरा, उससे ज़्यादा अंदर टेस्ट भी आएगी और सारा अच्छा होगा। तो अभी अभी 15 मिनट के बाद हम मिलते हैं, ऐसा पका के लेते हैं थोड़ा मिनट, देखते हैं कितना है। थोड़ा नमक भी कम है, 1 चम्मच डाल देते हैं, बड़े होगा ना। और फिर तो अभी ये राइस है, उसके अंदर आपको डालना है थोड़ा थोड़ा करके, हमारे 2 किलो की वेज बिरयानी हो जाएगी। इतना सारा भात है, अभी ऋषभ जी पूरा इलाके ले रहे हैं, उनको बहुत ताकत है क्योंकि ये भाई बहुत अच्छी बिरयानी बनाते हैं। ये देख सकते हैं आप कैसा कलर आ चुका है, और इसके अंदर अभी हम मसाला डालने वाले। भाई मसाला डाल दिया आप, ये देखिए मसाला डाल रहे हैं अच्छी तरीके से डाल भाई। भाई अच्छा से करना ही तो हमें कच्चा भात खाना, भाई अच्छा से करना ही तो हमें कच्चा भात खाना मिल गया। कैसा लग रहा है आपको सुशांत जी? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या देखिए? बहुत अच्छा लग रहा है, भात राइस देख के तो मुंह में पानी फूट रहा है। और क्या बोलना चाहते हैं पब्लिक के लिए? अभी ऐसा राइस बनाया, अभी खाने को किसी देना ही नहीं चाहिए। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? आप सब खा लेंगे। और आपकी प्रिंसेस क्या बोल रही है? हमारे सब ओके, वो ठीक है, उसके साथ तो अलग भी है वो। ओके, देखिए अब कल ही मतलब आज ही इरशाद आ गया है गाँव से, और आज हम हमारा उन मूड हो गया है। देखिए ले दो, नया नंबर लिख लिए, अगर वो नहीं लिखा है तो मेरा नहीं लिख लिए। आपने नंबर क्यों दिया? अरे याद रखिए हमको, गरीब को भी कोई दे। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? सुंदर सी लड़की मिल गई, जाए करेगी। ओके ठीक है, तो अभी हमारी वेज पुलाव रेडी है, देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। मेरे मुंह में तो पानी आना स्टार्ट होगा, ये देखिए कैसा चाट के खा रहा है। ये देख सकते, तेरे सिवा जाऊं कहां।